क्या आपके नींबू के पौधे कुछ इस प्रकार के हो रहे हैं? उनकी टहनियाँ सूख रही हैं, आगे से टहनियाँ सूख रही हैं और अब धीरे धीरे पत्ते आने लगे हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये देखिए, कुछ शाखाएं तो बिल्कुल सूख गई हैं, ये देखिए ये सूख गई हैं और कुछ में बहुत पत्तियाँ चल पड़ी हैं। हमने इसका इलाज किया था और अब इनमें देखिए कितनी अच्छी फुटान हो गई है। जैसे ही फुटान आएगी उसी समय इस पर कई प्रकार के पत्तियों वाले रोग भी आएंगे, जैसे पत्ती खाने वाली इल्ली आएगी और लीफ माइनर भी आएगा और सुंडी भी आएगी, जिसका आपको इलाज करना है। नींबू की तितली इस समय बहुत ही भयानक रूप से लगती है। तो साथियों, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये है फाइटोफथोरा रोग, जिसे जड़ गलन से शुरू होता है और इसका अर्थ है कि आपके पौधे की जड़ में कोई समस्या है। ये पौधा बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें लगभग नहीं के बराबर समस्या है। पौधे मैंने CCRI से जुलाई 2020 में मंगाए थे और ये बालाजी प्रजाति का पौधा है और आप इसमें देखिए कि इसमें फूल आ गए हैं। मैंने लगभग 7 पौधे बालाजी के लगाए थे। ये भी बालाजी का पौधा है, ये भी बालाजी का पौधा है। देखिए मेरी हाइट के बराबर है लगभग, ये मेरे से भी ऊंचा पौधा है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, उससे भी बड़ा हो गया। तो आप देखेंगे कि इसमें एक सूट भी है, ये देखिए ये जो सूट थी, लेकिन ये सूट थोड़ी अलग किस्म की है। ये भूरे रंग की सूट है और इस पर फूल आए हुए हैं। और तीसरा पौधा ये है, इस पर भी फूल आए हैं और मधुमक्खी भी आई हुई है परागण के लिए। अब देखते हैं कि जब इनमें 5 साल में, ये बीजू पौधा है, जब 5 साल में इनमें फूल आते हैं, फल आते हैं, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए। हम चर्चा करेंगे इसी बात की आज की वीडियो में। ये हम ड्रिंचिंग के लिए एक गड्ढा कर रहे हैं। इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है कि इसकी मुख्य जड़ का ध्यान रखना है। आप आराम से एक गड्ढा बनाइए, ये देखिए। ये अब हम इसमें बोर्डो मिक्सचर डालेंगे। इसे हमने बनाया है 1 किलो चूना, सारी रात 5 लीटर पानी में भिगोया है। 1 किलो नीला थोथा, उसको भी 5 लीटर पानी में रात भर भिगो कर रखा है। प्लास्टिक की बाल्टी लेनी है। सुबह हमने उनको दोनों को मिलाया और मिलाकर फिर 150 लीटर पानी में हमने उनको डाल दिया। जो मिक्सचर बना था, वह पेस्ट था, उसको हमने 150 लीटर के ड्रम में डाल दिया। इस प्रकार हमारे पास लगभग 160 लीटर ये बोर्डो मिक्सचर तैयार हुआ है। और इसमें कॉपर एक बहुत अच्छा फंगीसाइड है, जिसे हम इस प्रकार दे रहे हैं। ये देखिए 1 लीटर डाला है और जब ये थोड़ा पानी पी लेगा इसको, तब हम 1 लीटर और डालेंगे। और ये ड्रिंचिंग का एक नया तरीका है जो हमें खालिद भाई ने भेजा है। वह अपने पौधों पर कभी भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का न तो स्प्रे करते हैं और न ही उसे जड़ में देते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ता है। ये मुझे जो नीला थोता मिला है सहारनपुर में, ये फुवारे से मैं लाया था, 250 रुपये किलो। एक भाई ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ 340 रुपये किलो है राजस्थान में। मैं 20-22 मार्च के आसपास वहाँ जा रहा हूँ और उसके लिए 5 किलो नीला थोता लेकर जाऊँगा। अब आइए बात करते हैं कि ये 1.5 वर्ष के पौधे में ही फूल क्यों आ गए। देखिए, एक तो ये टहनी सूट थी, जो ये सूट दो प्रकार की होती है, एक हरे वाली होती है और एक ये थोड़ी भूरे रंग की हो जाती है। इस सूट में फूल आए हैं और ये कहते हैं कि जब इस पर हमारे ग्रुप में डिस्कशन हुआ कि जो पौधों पर 5 साल में फूल आने चाहिए थे, उन पर 2.5 साल में कैसे आ गए। उसके 2 कारण सुझाए गए कि अगर पौधे की जड़ में
कोई रोग है, जैसे जड़ गलन का रोग है, तो पौधा को ये पता चल जाता है कि मेरा अब अंत समय आ गया है, और वह बिना पत्तियों के भी पौधे में फूल छोड़ने लगता है। इस पर ये तर्क दिया जाता है कि ये पौधा ये समझता है कि मेरे बाद कम से कम मेरी नस्ल तो जिंदा रहेगी। ये मेरा पौधा है, मुझे इसमें कहीं से भी नहीं लग रहा, हो सकता है थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ पर पत्तियाँ अभी निकली हैं, जड़ गलन था, इसी प्रकार दूसरा पौधा है, लेकिन ये मेरे कुछ ही पौधों में, बालाजी में 7 में से कुल 3 पौधों में है, और इसी प्रकार मेरे NRC 7 और NRC 8 के पौधों में भी है। एक वर्ष का पौधा हम लाए थे, जब एक वर्ष का होता है, और 1.5 वर्ष करीब इसको हो गया, तो 2.5 वर्ष का पौधा है, फूले सरबती में 3 वर्ष में भी फूल आ जाते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि इसका सही कारण क्या है। अगर आप में से किसी भाई को पता हो तो वो कमेंट में अवश्य लिखें। किसान साथियों, ये थी मेरी जो जड़ गलन रोग होता है उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति, जिसमें हमने एक साधारण दवाई बताई है जिसे आप घर पर बना सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि 1 किलो नीला थोथा लीजिए, उसे प्लास्टिक की बाल्टी में रात भर 5 लीटर पानी में भिगो कर रखिए। इसी प्रकार 1 किलो चूना लीजिए, चाहे बुझा हुआ हो चाहे बिना बुझा हो, उसे भी एक प्लास्टिक की बाल्टी में रात भर भिगो कर रख दीजिए। सुबह को उनको दोनों धार मिलाते हुए एक तीसरी बाल्टी में डालिए और उसे अच्छी तरह चलाइए। ये आपका बोर्डो पेस्ट तैयार हो गया। अब इसे 140 लीटर पानी में मिला दीजिए, तो ये आप जड़ों में दे सकते हैं, और अगर 90 लीटर पानी में मिला तो ये बोर्डो मिक्सचर है, इसे आप स्प्रे भी कर सकते हैं पौधों के ऊपर। जैसा ड्रिंचिंग का तरीका हमने दिखाया है उस प्रकार ड्रिंचिंग करिए। ये देखिए, धीरे धीरे पानी सोखेगा पौधा, और उसके बाद 1 लीटर और डालेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे हम। ड्रिंचिंग के बाद जो खालिद के पौधे थे उनकी स्थिति क्या है, ये आप अपने आप देख लीजिए। जिन टहनियों को सूख गई थी उन पर नए पत्ते आए हैं, पौधा हरा भरा हो गया है, लेकिन खालिद भाई ने इन पर 2 बार ड्रिंचिंग अभी तक कर चुके हैं। दोनों ड्रिंचिंग 15 दिन के अंतराल पर करनी है। नींबू के पौधों में एक ध्यान रखना है कि जब ये गड्ढा बनाएं आप, इसे ध्यान से बनाएं, और इसे बनाते समय पौधे की जड़ों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। खालिद भाई ने हमें इतनी अच्छी वीडियो भेजी और ये तरीका बताया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।